ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो को देगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मार कर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण कैसे शुरू होगी कहानी, कितना चैलेंजिंग होगा प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सफर, क्या करता होगा प्रोटैगनिस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म मास्टर के बारे में। मास्टर की हिंदी रीमेक, इस कहानी की शुरुआत होगी एक ऑर्फिनेज से। जी हाँ, यहाँ पे काफी सालों से रह रहे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। इस ऑर्फिनेज के मेन इंचार्ज का नाम भवानी है, जो दुनिया के सामने एक सोशल वर्कर बनता है और ऑर्फिनेज के लिए जितने भी पैसे डोनेशन के नाम पे आते हैं सभी को वो अपने लिए खर्च करता है। इसके अलावा भवानी बच्चों का इस्तेमाल कर जगह जगह चोरी और दूसरे क्राइम्स को अंजाम देता है। सभी के सामने जहां भवानी एक अच्छा आदमी नजर आता है, वहीं वो अंदर ही अंदर कितना करप्ट है इस बात से हर कोई बेखबर है। बच्चों की जिंदगी उस ऑर्फिनेज में बिल्कुल किसी नरक की तरह होती है। ना उन्हें ढंग से खाना दिया जाता है और ना ही उनके करियर के बारे में किसी को पड़ी है। उनका इस्तेमाल बस एक गैंग की तरह होता है, जहाँ पे वो चोरी और दूसरे क्राइम्स पर पैसे लाते हैं और फिर उसे भवानी तक पहुँचा देते हैं, जिसके बदले में भवानी उनकी जान को बख्श देता है। वरना बहुत सारे बच्चे भवानी और उसके करतूत के खिलाफ गए थे, हालांकि उनके साथ इस ऑर्फिनेज में क्या हुआ ये बात आज तक कोई नहीं जानता है। इस ऑर्फिनेज को शहर से दूर एक रूरल एरिया में खोला गया था, जहां आसानी से कोई भी आ जा नहीं सकता है। इस ऑर्फिनेज को भवानी पिछले 25 सालों से चेन्नई में रहकर चला रहा है और आज तक उसे पकड़ने वाला कोई नहीं आया। और जिसका मेन कारण था लोगों को इन सब के बारे में काफी कम जानकारी का होना। बच्चों के साथ वहां पे क्या होता है और क्या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। वही क्रिमिनल एक्ट करवाने के लिए भवानी हर दिन कुछ बच्चों को अपने साथ चेन्नई के मेन शहर में ले जाता है, जो ऑर्फिनेज से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां पे सड़कों पे उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो आसानी से पॉकेट मार सकें। इतना ही नहीं, उन बच्चों का इस्तेमाल करके भवानी के दुश्मनों को मारने के लिए भी किया जाता है, ताकि जब कभी पुलिस को मर्डर की खबर मिले तो सारा ध्यान उस बच्चे पे चला जाए जिससे ये सब कुछ करवाया गया था। ऑर्फिनेज के बच्चे ना ही कहीं भाग सकते हैं, ना ही किसी को कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि वो अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए डर डर के भवानी की कही हुई बातें मान लेते हैं। वहीं इस ऑर्फिनेज में सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिस वजह से माइनर होने के कारण भवानी उन्हें अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और जैसे ही उनमें से कोई 18 साल का हो जाता है तो उन्हें या तो खतरा समझकर मार दिया जाता है, या उन्हें बिजली के झटके देकर हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज करवा दिया जाता है। इसके अलावा भवानी कुछ को अपनी टीम में भी शामिल कर लेता है, और ऐसा कर उसने पिछले 25 सालों में बहुत से बच्चों को अपनी टीम में शामिल किया है, और अब उन्हीं लोगों से बाकी के बच्चों को भवानी टॉर्चर करवाता है। वही सरकार की तरफ से एक एनजीओ वर्कर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो 6 महीनों तक भवानी के ऑर्फिनेज में काम करे और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए, जिस वजह से जेडी नाम का एक एनजीओ वर्कर भवानी के ऑर्फिनेज में पहुंचता है। वही अब देखना होगा कि आखिर किस तरह की मुसीबतों का सामना जेडी को करना पड़ेगा, क्या वो बच्चों की लाइफ में सुधारने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, इसका पता हमें आने वाले वक्त में ही चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।